मेरे मन पे बहुत कर्जा है, हर तरफ धोखाधड़ी, चोरी, मकारी, हर तरफ आम। अगर हम सब मिलकर अपना फर्ज अच्छे तरीके से अदा करें तो ये कर्जा भी उतर सकता है और हमारा मुल्क भी खुशहाल हो सकता है। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। अबे यार, वो तो ख्वाब था। ये कहानी है निराली, उस मुल्क की जो अपने आप में है मिसाल, पाकिस्तान, जिसमें हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। सोच मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन मकसद सिर्फ एक, सब जलता है। मुख्तलिफ शोबों की मुख्तलिफ कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। यार किसकी गोद में? हाँ जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। अबे यार कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। डॉक्टर किसकी कॉल थी? यार थी किसी जाहिल की। अच्छा यार जाके पता करो कि जिस कंपनी से हमने कमिटमेंट की थी कि मैं उनकी इतनी दवाइयाँ लिख के दूंगा, तो यार उनसे जाके पता करो कि उन्होंने मेरा कमीशन दिया कि नहीं। अगर उन्होंने नहीं दिया तो जो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इतनी दवाइयाँ लिख के दूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा यार जाके पता करो, मैंने आगे उम्रे पे भी जाना है। तो जनाब केस सारा साफ है, बस झूठी गवाही के लिए जिस आदमी की ज़रूरत है ना, उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। हाँ जी हाँ, फिक्र ना करें आप, ये पाकिस्तान है, सब चलता है। अख लड़ी बदो तो 10 किलो ना 20 किलो बना के चल रहे हैं। यार वो देख क्या कर रहा है। यार सरे आम देखो किस तरह दूध में पानी मिला रहा है, कोई शर्म ही नहीं है कल्लू उस्ताद को। यार बारिश हो रही है और आज वैन भी नहीं आई, आज ऑटो में चलते हैं। ऑटो वाले भाई, भाई बाईपास चलोगे? हाँ क्यों नहीं चलेंगे यार, आओ बैठो। अब जी कितना किराया लोगे? शक्ल तो बेवकूफ लग रहा है, तो बारिश भी हो रही है, इस बेवकूफ ने 300 का 500 कह देना। यार 500 लवांगा, तुहानू पता तो हवा चेंज आई होगी। चलो तो आओ भाई पीछे बैठो। मोहसिन साहब क्या हाल है, अकेले अकेले चाय पी रहे हैं? आए जी आए, क्या हाल चाल है तुम्हें? ठीक है आपकी? ठीक ठाक, आप सुनाएं मोहसिन सर क्या हाल है? ठीक ही है बस। सर कैसे बैठे हुए हैं अफसोस से मुरझाए हुए? यार तुझे अब क्या बताऊँ, तुझे पता है मैं शहर में चाहता था कि मेरी ट्रांसफर हो जाए, पता है गवर्नमेंट खुदा से यहाँ दो। बिल्कुल, अब गांव में इतनी दूर तक मुझे जाना पड़ता है और ट्रेन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ी जा रही हूँ। ऐसे रोज कौन यार इतने खर्चे उठाओ। और मैं गया था यहाँ ऑफिस में, इतनी क्लर्क डीओ हर एक को रिश्वत देनी पड़ती। क्या रिश्वत की सूरत है, आपने अगर पैसों में रिश्वत नहीं दे रहे ना तो मैं उठाइया था मैंने। यार इस तरह कोई मुल्क चलता है? यार तुझे पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी ईमानदारी में, लेकिन इन्होंने क्या पैसे ही निकले। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर चीज चलती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। भी चलता है फिर ऐसे ही है सर। यार लेकिन इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। नाकस कानून, 75 साल हो गए इस मुल्क को वो बने हुए, लेकिन क्या कानून है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरा बराबर कानून। बिल्कुल हम क्या कर सकते? हमारा मकसद क्या सिर्फ 14 अगस्त पे बाजे बजाना है? हमारी अवाम भी किसी से कम नहीं, तो आइए नजर डालते हैं आम अवाम पर। यार आज अगर पैसे मिल जाए तो बेटी की शादी आसानी से हो जाए। चलो यार बैंक से पैसे ही ले आता हूँ, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे बचे थे उनसे चलो बेटी की शादी हो जाएगी, कुछ तो फायदा होगा।
चलो यार बैंक पहुंच गया, पैसे निकलवा लेता हूँ। पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे भाई बड़ा बेटी कर रहा हूं जी। इतने मैंने ये फिर से भाई भाई जोड़ी है भाई, नहीं नहीं मैं ना रुका के रुका नहीं दे रही यार, नहीं दे रही। चल 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 जा, अब इसे क्या मसला हो गया, पेट्रोल भी लगाया था ना, इसका तो प्लग ही नहीं है। ओ यार एकेडमी के लिए लेट आ रहा, चलो इसका प्लग ही उतार लेते हैं। यार बाइक तो मिल ही गई है। यार ये तो हमसे भी गरीब निकला, दो और फिर देखे गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। लगता कि आज मस्जिद कोई भी नहीं है, आज काम पाना पड़ेगा। मानन यार एटी लाभ गई, चल यार वो देखो हमने नमाज पढ़ने जाना था, वो चरसी देखो मस्जिद के अंदर टूटिया चोरा बिंदी पैन की डर था पे की डर है खड़ा खड़ा तेरी है तेरी पिछले पिछो। मायूसी कुफर है, हमें हमारे मासी का पता है, हाल का भी, लेकिन किसने कहा हमारा मुस्तकबिल भी आज जैसा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअन लैसल लिल इंसानी इल्ला मसाअ, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की। सूरह अन-नजम आयत नंबर 53, सूरह नंबर 39। खाली खोली नाराबाजी लगाने का कोई फायदा नहीं, जब तक हमारी कौम का हर फर्द अंथक मेहनत करने का आदि नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर पाएंगे। तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके खुद इनकलाब पैदा कर। सुकून ख्वाब है पे दस्तो वपा ज़ईफ़ी का, तू इस्तराब है खुद इस्तराब पैदा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म पसंद आई होगी।